पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकोलिया प्रखंड के गांधी घाट पर आज आस्था का महापर्व छठ पूजा को धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता दयाकांत गिरी स्वयं जाकर वहां स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह, अंचलाधिकारी पिंटू कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी रामेंद्र कुमार के साथ साथ पूजा समिति के सदस्य बद्री प्रसाद, राम जन्म पासवान, मनोज कुमार सिंह से भी बात। थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह का कहना है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। हम स्वयं अपने सशस्त्र बलों के साथ अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जगह छठ पूजा मनाई जा रही है वहां मॉनिटरिंग करेंगे। अंचलाधिकारी पिंटू कुमार ने समस्त प्रखंड वासियों से यह अपील की है कि आस्था का महापर्व छठ पूजा पर समस्त ग्रामीण जनता अपनी समझदारी से काम करे और आपसी भाईचारे से काम करे, एक दूसरे का सहयोग करे। यदि आप समस्त जनता अपने अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते हैं तो हमें उम्मीद है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। नमस्कार, मैं आरएन भारत से दयाकांत गिरी, प्रखंडी पुटर तुरकोलिया। अभी मैं तुरकोलिया गांधी घाट के जीरो ग्राउंड पर उपस्थित हूँ। तुरकोलिया प्रखंड अंतर्गत सबसे अधिक श्रद्धालु यहाँ छठ पूजा पर्व मनाने के लिए आते हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ जो हमारे पूजा समिति के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आइए मिलकर जानते हैं जो यहाँ पूजा समिति के सदस्य हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, डॉक्टर दीपक कुमार उपस्थित हैं यहाँ। आइए मिलकर जानते हैं कि आस्था के महापर्व छठ के प्रति उनका कितना निष्ठा है। नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी आरएन भारत से। सर आस्था के प्रति, सर माइक नहीं, सर आस्था के प्रति छठ पूजा के बारे में कुछ बोला जाए। सर छठ पर्व हम लोग का महापर्व होता है जी सर, इसलिए हम लोग अपने छठ पूजा समिति तुरकोलिया जी जी सर जी घाट जी के तरफ से प्लस प्रशासन के तरफ से जी सर सारी व्यवस्था की गई है जी सर। तो हम लोग बहुत काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं जी सर जी सर जी सर। ठीक है सर, नमस्कार सर। आस्था के प्रति छोटे बच्चे भी कितने भावुक हैं। धन्य हो माँ जो ऐसे पुत्र को जन्म दिए। हरिओम नमो भगवते माँ की आस्था के प्रति कुछ बोला जाए सर। ये तो सारी दुनिया जानती है। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस पूजा समिति की ओर से जी सर। तुरकोलिया शिव मंदिर के जो पूजा समिति है, गांधी घाट के पूजा समिति है जी सर, उसके ओर से मैं सभी की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ जी सर। साथ ही ये जो आकर्षक देख रहे हैं पंडाल, बहुत बड़ा भव्य पंडाल बना जी हुआ सर, है जी सर। ये सभी हमारे ग्रामीण जनता की देन है जी सर। पूजा समिति के जो वर्कर है, जो कर्मचार नहीं है जी उनका सर देन है जी सर। ये आज तुरकोलिया ये शिव गांधी घाट पर जी भव्य पंडाल का आयोजन किया गया है जी। उसमें भगवान सूर्य महाराज का भी जी मूर्ति का प्रतिमा स्थापित किया गया है, वो जल के अंदर में है जी सर, जिसकी पूजा अभी अर्चना हो रही है जी सर जी। और ये पटना का बात जी सर, पटना का बाद हम लोग जानते हैं कि पूर्वी चंपारण तुरकोलिया प्रसिद्ध छठी माई के। लगभग कितने श्रद्धालु सर यहाँ आते होंगे? ये लगभग 20 गांव के श्रद्धालु यहाँ छठी व्रतिया यहाँ 20 गांव के आते, सभी लोग आते हैं सर जी। आप लोग की तरफ से क्या व्यवस्था किया गया सर? ये व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं जी सर जी। पूजा समिति की ओर से जो व्यवस्था पूरे 20 गांव तक हम लोग लाइट का व्यवस्था किए हुए हैं जी सर जी सर जी। रोड पर जो रोड का सर सफाई हम लोग अपने से किए हुए हैं जी सर। वो छठ घाट जो देख रहे हैं, जो ये नदी जो बहुत जलकुमी है उसको भी हम लोग साफ करके एक और ले गए हैं जी सर जी सर। पूजा समिति अपने ओर से ले गया जी सर। सर अपना नाम और परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम हुआ बद्री पासवान जी सर। ऐसे पूजा समिति का मैं भी एक सम्मानित सदस्य हूँ जी सर, और ऐसे जनता दल पूर्वी चंपारण का जिला अध्यक्ष हूँ दलित प्रकोष्ठ का जी सर जी सर जी। अभी हमारी बात जनता दल जदयू के जिला प्रकोष्ठ से बात हो रही थी, जिनका नाम बद्री पासवान जी है और पूजा समिति के सदस्य भी हैं। आइए एक और भी विभागीय कर्मचारी हैं, उनसे मिलकर जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? सर हम लोग पीएलबी, मेरा नाम दीपू कुमार है जी सर, पीएलबी सिविल कोर्ट से आए हुए हैं जी सर जी सर। विधिक के बारे में हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को जी सर, कानून के बारे में बता रहे हैं जी सर। और यहाँ पे जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है जी सर जी, उन लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं जी सर। और जो भी केस मुकदमा हो जी यहाँ पे
विधिक सेवा द्वारा जो निपटारा किया जा रहा है। जी सर, जी सर, लोक अदालत लगा करके सर निपटारा किया जाएगा 11/12/2021 को लगने वाला है सिविल कोर्ट। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है सर, यहाँ कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका भी मौजूद है। नमस्कार, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत से। छठ व्रत के प्रति आस्था रखने वाले यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ चालू हो चुका है, सभी लोग आ रहे हैं। तुरकोलिया से दयाकांत गिरी की रिपोर्ट।